बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक कैम सेंसर है, कैम शाफ्ट सेंसर। तो कैम सेंसर का जो वर्क है वो ये है कि ये अपने सिग्नल के ज़रिए ECM को ये बताता है कि एट द टाइम कैम की पोजीशन क्या है, जिससे ECM को ये पता लगता है कि कौन से सिलेंडर में पिस्टन टॉप पर है। क्योंकि जब पिस्टन टॉप पर होगा तभी वाल ओपन होंगे और तभी ही फ्यूल का इंजेक्शन होगा। अगर कैमशॉफ्ट सेंसर ख़राब हो जाए तो ये इन्फॉर्मेशन ECM को नहीं मिल पाएगी और जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि कैम क्या है, मतलब सेंसर जो है कैम की पोजीशन की इन्फॉर्मेशन ECM को प्रोवाइड करता है। तो आखिरकार कैम क्या है और ये वाल्व क्या है जो खुलते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये क्या है आखिरकार, इनका क्या ताल्लुक है कैम से, ठीक है, क्योंकि इसका जानना भी ज़रूरी है। कैम सेंसर के साथ साथ इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कैम है क्या। ये कैम है और इसको जो है वो हेड के अंदर लगी होती है, ये घूमती रहती है और इसके साइड में जो है ना दूसरी तरफ जो है वो कि कट के निशान बने होते हैं। कैम सेंसर इन कट के निशान के ज़रिए से ही कैम की पोजीशन का पता लगाकर ECM को बताता है। ये हेड है हमारा, ठीक है, हेड है। इसमें अगर हम देखें तो दो कैम, एक जाने भी ये लगी है कैम और एक ये है, और इसमें यहाँ पर ये कट के निशान है, ये ठीक है। इन कट के निशान को ही जो सेंसर है कैम सेंसर रीड करता है। अब कैम सेंसर का है, कैम सेंसर इसमें लग जाता है, यहाँ पर जब कैम सेंसर लगेगा और ये रोटेट होगी, घूमेगी, तो कैम सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, रीड करेगा और बताएगा ECM को कि कैम की पोजीशन ये है, कैम की पोजीशन ये है। तो इस तरह से ये दो कैम हो गई, एक कैम ये हो गई, एक कैम ये हो गई, तो दो हो गई हैं, ठीक है। हेड के अंदर ये लगी होती है, तो इसकी लोकेशन को ये कैम सेंसर ECM को बताता है। ये बात बहुत अच्छे से जहन नसीन रखें। अच्छा, दूसरी बात, क्या वॉल्व क्या है, वॉल्व क्या है ये। तो हर एक को सिलेंडर में जो होता है कि आप जानते होंगे बेहतर, हर एक सिलेंडर में जो होते हैं वो चार वॉल्व मिलते हैं, चार वॉल्व मिलते हैं, ठीक है, दो नीचे की जानिब और दो ऊपर की जानिब। मसलन ये दो नीचे की तरफ हो गए और दो ऊपर की तरफ हो गए, तो ये हर सिलेंडर में ये मिलना ही मिलना ज़रूरी है। यहाँ देखें, इसी तरह यहाँ देखें या यहाँ देखें, ये मिलना ज़रूरी है, यही वॉल्व होते हैं, इन्हीं का खुलना और इनका बंद होना होता है। अच्छा, जिसमें से दो वॉल्व जो हैं वो एग्जॉस्ट के लिए हैं, एग्जॉस्ट के लिए ऊपर वाले हैं, और दो वॉल्व जो नीचे वाले हैं ये इनलेट के लिए हैं। इसी तरीके से जो अभी पीछे हमने कैमशाफ्ट दिखाया, तो एक कैमशाफ्ट तो आपकी इनलेट पे लगी हुई है, इनलेट वॉल्व पे, और एक कैमशाफ्ट जो है वो हमारी एग्जॉस्ट पे लगी हुई है। जो एग्जॉस्ट वॉल्व है, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है, इस वॉल्व से क्या है कि धुएं की जो शक्ल में जो गैसें बाहर निकलती हैं वो इससे निकलती हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व से। और जो इनलेट वॉल्व है, यहाँ पर फ्यूल है, एयर है, जो इंजन को ज़रूरत है ताकि इंजन स्टार्ट हो, तो उसके लिए फ्यूल और इंजन एयर जो है वो इनलेट वाल्व के ज़रिए से आती है। जो है टाइमिंग के हिसाब से ये जो कैमशाफ्ट है दोनों, इनकी फिटिंग करनी होती है, प्रॉपर इसको फिट करना ही इंजन की टाइमिंग कहलाता है, ठीक है। टाइमिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह एग्जॉस्ट वाल्व टाइम पर खुलना चाहिए,
ठीक उसी तरीके से जब गाड़ी को फ्यूल चाहिए, हवा चाहिए, तो इनलेट वाल्व भी खुलना चाहिए। तो इसमें ये कैमशाफ्ट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे कैम सेंसर का जो काम हुआ वो काम ये है कि कैम शाफ्ट की पोजीशन क्या है, इस बात की जानकारी ईसीएम को प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो अपना कार्य आगे स्टार्ट करे और वो पता लगा सके कि पिस्टन पिस्टन की लोकेशन क्या है। पिस्टन टॉप पर है तभी बाल ओपन होते हैं, जब पिस्टन टॉप पर होगा तभी बाल ओपन होंगे और फ्यूल का इंजेक्शन होगा इनलेट में, ठीक है। और कैम शाफ्ट ख़राब होगा तो ये इन्फॉर्मेशन ईसीएम को मिलेगी नहीं कि पिस्टन की लोकेशन क्या है, कैम की लोकेशन क्या है, बॉल खुलेंगे नहीं, गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। तो ये है कैम सॉफ्ट का रोल। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल और आपको थोड़ी समझा दूं मैं, एक बार बड़े अच्छे से इसे समझ लीजिए कि जो सेंसर, तो ये सेट से लग गया, कैम सॉफ्ट सेंसर हो गया जी हमारा, ठीक है। दूसरा जो है इनटेक वॉल्व हमारे ये हो गए नीचे, ठीक है जी। और इनटेक कैमशाफ्ट ये रहा, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट ये रहा, ठीक है जी, और वॉल्व भी ये रहे इसका, इसी तरीके से ये रहे। ये एक चैन हो गई, टाइमिंग चैन हो गई ये। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो सेंसर का वर्क क्या है यहाँ पर, इस सेंसर का वर्क क्या है। सेंसर का वर्क क्या है कि मतलब कैमशाफ्ट की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो इस बात की इंफॉर्मेशन ईसीएम को देना है ताकि ईसीएम आगे अपनी कार्रवाई शुरू करें। जब भी कैम सेंसर ख़राब होता है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और उसके कोड ज़रूर डिटेक्ट होते हैं। इसके कोड जो होते हैं, शुरू होते हैं, वो 340 से स्टार्ट होकर 344 तक अमूमन देखने में मिलते हैं। P0340 से लेकर P0344 तक ही देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि पहला कोड हमारे सामने है इस समय, P0340 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर बैंक 1, ठीक है। बैंक क्या है ये भी आगे वाले टॉपिकों में कभी बताएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये 340 ये कोड आ गया हमारा। दूसरा कोड ये भी है नीचे के, दूसरा कोड ये हुआ हमारा 341, P0341 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है, जो हिस्ट्री में है ये प्रेजेंट है 340। तो ये इस तरह के कोड हमारे प्रॉब्लम आने पे वक्तन वक्तन दिखते रहेंगे। जैसे कि ये कोड है हमारा 341 कैमशाफ्ट रॉन्ग, कैमशाफ्ट सिग्नल यानी कि प्रॉपर सिग्नल कैमशाफ्ट का जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है ईसीएम को, तो उसकी मेमोरी से जो डिटेक्ट हुआ है वो P0341 डिटेक्ट हुआ है। तो ये भी कैमशाफ्ट का कोड है। इसके अलावा एक कोड और आ रहा है मेरे सामने P0011 यानी कि CMP यानी कैम पोजीशन सेंसर टाइमिंग एडवांस। तो ये टाइमिंग की प्रॉब्लम है, करंट माल फंक्शन है। P001 ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, एक अलग से कोड है, मतलब 340 से 344 के बीच का नहीं है, ये अलग से कोड है। फिलहाल इसका जो संपर्क है, ताल्लुक है, तो वो कैम सॉफ्ट से ही है, या टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या कैम सॉफ्ट सही सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये आज हमारे के टॉपिक थे कैम सॉफ्ट से रिलेटेड, उसके कोड से रिलेटेड, किस तरह से कैम सॉफ्ट होती है, उसका सेंसर कहाँ लगता है, किस तरह उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके ईसीएम को प्रोवाइड करता है, फिर ईसीएम क्या करता है, ये आज हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करी। अक्सर देखने में मिलता, तो आज का टॉपिक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात फिर कभी होगी, इसी अगली वीडियो में इससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच।